क्या आपको एक ही काम बार बार चेक करना पड़ता है? इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुख्यतज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। एक अंदाज 40 साल का व्यक्ति, उसने मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन किया और उसका कहना यह था कि पिछले कुछ महीनों से उसको बार बार चेक करने की आदत लग गई। तो कोई भी विचार एक तो बार बार आता है, वो बार बार चेक करते रहता है। तो जैसा ताला जो है वो बार बार चेक करेगा, फिर रात को सोने के समय पूरे दरवाजे बंद किए कि नहीं, बोल्ड किया है कि नहीं, वो चेक करेगा। हीटर जो है, स्नान करने के बाद में हीटर जाके फिर चेक करेगा बंद किया है कि नहीं, फिर जाएगा फिर चेक करेगा, कंफर्म करेगा। फिर गैस जो है वो जाके फिर देखेगा गैस बंद किया है कि नहीं है। कपड़े धोए तो फिर जाके चेक करेंगे कपड़े धोए तो भी वो सूखने के लिए डाले कि नहीं बराबर, और वो जो वॉशिंग मशीन है वो बंद हुआ कि नहीं। मतलब हर बार उसको तसल्ली होती नहीं है, उसको बार बार जाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। और फिर लैट्रिन को 1-1 घंटा लगता है, उसको लगता है कि अपनी लैट्रिन पूरी हुई नहीं है। फिर लैट्रिन में बैठे रहेंगे और लैट्रिन में समझो बैठा है तो बाद में फिर आएंगा तो बाद में हाथ धोने के लिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे 6 बार हाथ धोएगा साबुन से, और फिर उसको तसल्ली आएंगे कि ठीक है अभी हुआ है। फिर वो देखेगा कि बाकी लोग जो है वो भी ऐसे ही हाथ धो रहे कि नहीं, तो बाकी लोगों कंपल्सरी लोगों करता है कि नहीं आप भी लेटरिन से आए तो फिर आप साफ करो हाथ, बाहर से आ गए तो पैर धो और स्नान करो, बराबर आपने स्नान नहीं किया। फिर कपड़े जो है वो कपड़े बराबर मतलब पानी से ऐसे निकालना, और निकालने के बाद में जहाँ पकड़ा हुआ है कपड़ा तो वहाँ से वो रस्सी के ऊपर डालने के समय जहाँ पकड़ा हुआ वहाँ से पानी नीचे गिरना चाहिए। मतलब कैसे कि जहाँ हाथ लगाया वहाँ वो एरिया पानी से निकलना चाहिए, धो के ऐसा डालना है सूखने के लिए। इसका मतलब उसको फिर हाथ नहीं लगा किसका, क्योंकि सूखने के समय डाला हाथ लगाया तो जमता नहीं। जो एरिया में हाथ लगाया वो एरिया धो के निकलना चाहिए पानी से, तो इतना पानी रहता है उसमें कि वो धो के निकलना चाहिए एरिया, ऐसा करता है वो। फिर चलने के समय वो जो स्टेयर केस है पायरी जीना, तो उसमें की पायरी वो चेक करेगा, उतरने के समय चेक करेगा, नंबर गिनेगा। फिर चलने के समय टाइल्स के ऊपर जो है वो जहाँ जॉइंट रहता है टाइल्स का, तो जॉइंट के ऊपर पैर नहीं आना चाहिए, जॉइंट छोड़ के आना चाहिए। या फिर कभी उसके दिमाग में आ गया कि जॉइंट के ऊपर ही पैर आना चाहिए, अपना पैर गिरना चाहिए, तो जॉइंट के ऊपर ही पैर डालेगा। मतलब ऐसा एक पॉसेसिवनेस और ऑब्सेशन। फिर नकारात्मक सोच बार बार आती है, बाहर कोई गया तो मर जाएगा क्या, उसका एक्सीडेंट होगा क्या, तो बाहर किसको जाने देना नहीं, तो बोलता नहीं मत जाओ बाहर, कुछ तो भी हो जाएगा। या बाहर कोई गया हो व्यक्ति जल्दी आया नहीं तो जब तक कोई तो मर जाएगा, अभी वो मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाएगा ना वो मर जाएगा, आएगा नहीं। मतलब ऐसा कंटिन्यूसली नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, बार बार वही करना, घर के लोग परेशान, खुद भी परेशान। सब 5-6 महीने से हो रहा है उसको। धीरे 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 उसको जब पूछा तो बताया नहीं, 2 साल से वैसा थोड़ा 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 चालू हो गया था। फिर उसको और पूछा तो नहीं, उसकी ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी थी पहले से। ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी मतलब परफेक्शनिज्म, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। पेन वहाँ का वहीं रखना चाहिए, चाबी वहीं की वहीं रखना चाहिए, सब चीजें जहां की वहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो डिस्टर्ब होता है लोगों के ऊपर। साफ सुथरा घर, चकाचक घर रहेगा, लोगों को कहीं इधर उधर चीज डालने देंगे नहीं, और फिर उसकी किसके पट्टी नहीं किसे, क्योंकि वो हरदम झगड़ा करेगा कि तुमने ये नहीं किया बराबर, वो नहीं किया, कि उसके दिमाग के मुताबिक हुआ नहीं तो वो झगड़ा करेगा। तो ऐसा फिर सबको भी तकलीफ, उसको भी तकलीफ। तो इसमें फिर उसने खुद ने फोन किया कि मुझे ऐसी तकलीफ हो रही है, क्या करें। फिर बोला भाई आपको ये पता है कि आपको तकलीफ हो रही है, तो अभी आपने इलाज करना चाहिए, क्योंकि आपको तकलीफ तो हो ही रही है और घर के लोगों को भी तकलीफ हो रही है। क्योंकि सेक्स करने के समय भी पत्नी के साथ में उसको लगता है कि नहीं गंदा है, फिर वो बोलेगा नहीं पहले स्नान करो बाद में सेक्स करो, सेक्स करने बाद में फिर 2 बार स्नान करो, दोनों नहीं करना है, क्योंकि वो उसको लगता है गंदगी सेक्स बोले तो, और करना तो है ही, मतलब करने की भी इच्छा होती, नहीं किया तो फिर और ऑब्सेशन है कि क्यों नहीं किया क्यों नहीं किया। तो इस तरह का ये उसका चालू है। पूजा पाठ करेंगे तो घंटा 2-2 घंटे पूजा में रहेंगे और फिर निकलेगा नहीं बाहर जल्दी। कभी कभी भगवान के बारे में फिर बुरे विचार आते हैं, भगवान के साथ में सेक्स करना है उसके विचार आते हैं। मतलब भाई आपको दवाई लेनी पड़ेगी, मेडिसिन, एंटी ऑब्सेसिव मेडिसिन है वो ले लो, आपको हिप्नोथेरेपी मैं करता हूँ, साइकोथेरेपी करेंगे, बिहेवियर थेरेपी करेंगे, सब उपचार करेंगे और फिर आपका इलाज करेंगे। बोले ठीक है, आप जो भी करना चाहते हैं। उसने मेरे को मतलब कि भाई मैं मतलब कोचेबल हूँ और मैं वल्नरेबल हूँ, कि भाई आप बताओ मैं करूँगा। उसको चालू किया हमने दवाई, तो दवाई से काफ़ी फर्क पड़ा, उसका जो ऑब्सेशन था उसके ऊपर फर्क पड़ा, कंपल्शन के ऊपर फर्क पड़ा। और उसको जो हमने काउंसलिंग किया, उसको जो बताया मैंने कि थॉट्स जो आ रहे हैं वो एक इंटरनल स्टेट है, वो एटीएम है, ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी, और वो जो एटीएम दिमाग में है वो एटीएम प्रोड्यूस कर रही है एएनटी,
एंट मतलब एंट, ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, इंटरनल चालू है, वो चालू है चालू है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अभी उसको कैसा ब्रैकेटिंग करना, ब्रैकेट करने का है, और ब्रैकेट करके अपने काम के ऊपर कैसा फोकस करना वो उसको सिखाया, उसका कोचिंग चालू है और धीरे 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 उसको फायदा हो रहा है। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है जो करीब करीब 1000 लोगों में 4 से 5 लोगों को दिखता है, और पर्सनैलिटी तो बहुत लोगों की होती है। एक्चुअली पर्सनैलिटी तक मर्यादित रहे ये, तो ये ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी के लोग जो है वो बहुत हाई लेवल पे जाते हैं अपने करियर में, क्योंकि उनको चलते ही नहीं कॉम्प्रोमाइज। और जब टॉप टिप रहेगा, जब एकदम एक्सलेंस पे काम करेंगे वो, नेचुरली रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और फिर वो अच्छा ऊपर जाते हैं अपने करियर में। मगर वो अकेले काम कर सकते, लोगों के साथ में काम कर नहीं सकते, अकेले ऊपर जाएंगे, और जब ऊपर जाएंगे तो उनके साथ में कोई रहेगा नहीं। तो इस तरह का है, फायदे भी हैं नुकसान भी है, आपको बैलेंस करने का है, और बैलेंस करेंगे तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको इसके बारे में कुछ सवाल होंगे तो जरूर हमारे जो ऑनलाइन काउंसलर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करो और वो हमें बातचीत करवा देंगे आपके साथ में। और हमारे ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं, फेसबुक यूट्यूब लाइव होता है, वीडियो लाइव होता है, तो उसमें आप सम्मिलित हो जाएंगे। और आप ऐप भी हमारा डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी चैटिंग कर सकते हैं। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप हमारे साथ में आइएगा। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।